हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्किस्टिक। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास वन ईवीएस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और वो है प्लांट्स। इसमें हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, टाइप्स ऑफ प्लांट्स और फूड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। हम घर में, पार्क में, गार्डन में, स्कूल ग्राउंड में बहुत सारे प्लांट्स देखते हैं। उनमें से कुछ प्लांट्स बिग होते हैं तो कुछ स्मॉल होते हैं। प्लांट्स को कलरफुल फ्लावर्स और फ्रूट्स भी होते हैं। प्लांट्स से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। फूड है, वुड है, पेपर है, सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है। तो आज हम इन्हीं प्लांट्स के बारे में इस वीडियो में जानेंगे और वीडियो के एंड में कुछ प्रैक्टिस वर्कशीट भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों को हम कोई भी टॉपिक सिखाना जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका माइंड मैप बनाना चाहिए, क्योंकि माइंड मैप से हम बच्चों को कोई भी टॉपिक ईजिली सिखा सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमें बच्चों को सिखाना है प्लांट्स के बारे में, उसके बाद पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के पार्ट्स कौन कौन से हैं? रूट्स, सीड्स, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स। पार्ट्स ऑफ प्लांट के बाद हमें बच्चों को सिखाना है टाइप्स ऑफ प्लांट। प्लांट्स के कौन कौन से टाइप्स हैं? तो उसमें आता है ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स एंड एक्वाटिक प्लांट्स। पार्ट्स ऑफ प्लांट और टाइप्स ऑफ प्लांट के बाद में हमें सिखाना है फूड आइटम्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। कौन कौन से फूड आइटम्स हमें प्लांट्स से मिलते हैं? जैसे कि सीरियल्स है, पल्सेस है, ड्राई फ्रूट्स, ऑयल, स्पाइसेस, कॉफ़ी सीड्स, टी लीव्स, शुगर केन, ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है। और डेली बेसिस पे भी हम जो वेजिटेबल्स लाते हैं उसके थ्रू भी हम बच्चों को इन प्लांट्स के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि स्पिनच है, तो स्पिनच हम लीफ के साथ खा सकते हैं, तो वो हुआ लीफी वेजिटेबल। पोटैटो है, पोटैटो है रूट वेजिटेबल, क्योंकि वो अंडर द ग्राउंड होता है। ब्रिंजल, ब्रिंजल है फ्रूट वेजिटेबल, क्योंकि वो ग्राउंड के ऊपर होता है, अबाउ द ग्राउंड। तो इस तरह से हम बच्चों को प्लांट्स के बारे में समझा सकते हैं। अब ये माइंड मैप किस बुक में है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये बुक है ओसवाल बुक्स वन फॉर ऑल वर्क बुक। इस बुक को हम सारे बोर्ड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो CBSE हो, ICSE हो या फिर स्टेट बोर्ड हो। इसमें सारे टॉपिक्स एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। इस बुक में सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर किए हैं और रिवीजन नोट्स के साथ वर्कशीट्स भी दी है, जिसकी हेल्प से हम बच्चों की प्रैक्टिस अच्छे से करवा सकते हैं। ये बुक आपको अमेजॉन, फर्स्ट क्राई और फ्लिपकार्ट से ईजिली मिल जाएगी। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आइए अब मेन टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट। जैसे हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं, उसी तरह से प्लांट्स के भी पार्ट्स होते हैं और उनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है रूट, जो कि ग्राउंड के नीचे होता है, अंडर द ग्राउंड, जो कि पूरे प्लांट को होल्ड करके रखता है उसके प्लेस पे। तो रूट का मेन फंक्शन क्या है? एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल और फूड को स्टोर करना। इट आल्सो स्टोर्स फूड। तो रूट वेजिटेबल्स कौन कौन से है? बीटरूट है, रेडिश है, कैरेट है, तो ये सारे जो है वो रूट वेजिटेबल्स है। दूसरा जो पार्ट है वो है स्टेम, जो कि यहाँ है, वो ग्राउंड के अपर वाला पार्ट है, अबव द ग्राउंड, और वो सपोर्ट करता है ऊपर के पार्ट को। और स्टेम क्या करता है? वाटर लेता है, रूट से वाटर और न्यूट्रिएंट्स लेता है और वो ब्रांचेस को, लीव्स को, फ्रूट्स को सप्लाई करता है और सबको रूट से कनेक्टेड रखता है। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे पोटैटो एंड जिंजर। नेक्स्ट है लीव्स। लीव्स का कलर होता है ग्रीन और वो अलग अलग शेप्स और साइजेस के होते हैं। तो लीफ जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वो अपना फूड खुद बनाता है बाय फोटोसिंथेसिस। जैसे कि लीव्स में है स्पिनच, कैबेज, तो ये सारे जो है वो लीफी वेजिटेबल है, जो हम अलॉन्ग विथ लीव्स खा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है फ्लावर्स। फ्लावर मोस्ट ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव पार्ट होता है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, शेप्स और साइजेस में होता है। हम बच्चों को फ्लावर्स नेम सिखाते हैं, रोज़, लिली, लोटस, सनफ्लावर, तो ये सारे जो है वो फ्लावर्स हैं। नेक्स्ट जो है वो फ्रूट है। फ्रूट है फ्लेशी और ड्राई रिपन पार्ट होता है प्लांट का, जो कि सीड्स को इंक्लोज करके रखता है। फ्रूट्स नेम में एप्पल, मैंगो, चीकू, बनाना, तो ये सारे जो है वो फ्रूट्स है। नेक्स्ट पार्ट है बर्ड्स। बर्ड ये स्मॉल पार्ट होता है, जो कि लीफ और फ्लावर के अंदर ग्रो होता है। नेक्स्ट है सीड्स। सीड से हार्ड पार्ट होता है, जो कि फ्रूट के इनसाइड होता है। अ हार्ड पार्ट इनसाइड द फ्रूट इज कॉल्ड सीड। बहुत से ऐसे फ्रूट्स है जिसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, जैसे कि पोमोग्रेनेट है, ग्वावा है, कीवी है, उसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं।
तो जो हमने अभी पार्ट्स ऑफ प्लांट देखे उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ वर्कशीट्स दी है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो फर्स्ट है वी ईट द लीव्स ऑफ, हम लीव्स खा सकते हैं कौन से वेजिटेबल के, पोटैटो, वीट, बीटरूट और स्पिनेच। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, स्पिनेच, क्योंकि हम अलॉन्ग विथ लीव उसे खा सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो द मेन फंक्शन ऑफ फ्रूट इज टू, रूट का मेन फंक्शन क्या है, एब्जॉर्ब वाटर, प्रोवाइड सपोर्ट, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारे फंक्शन जो है वो रूट्स के हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे पार्ट्स ऑफ प्लांट को लेके बहुत सारी वर्कशीट्स दी है ताकि हम बच्चों का ये जो सब टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर करवा सके। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, उनके शेप्स और साइजेस भी अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहला है ट्रीज। बिग और टॉल प्लांट्स जो होते हैं उन्हें ट्रीज कहा जाता है। उनकी हाइट जनरली 3 मीटर से ज़्यादा होती है और उनका स्टेम जो होता है वो थिक, हार्ड एंड ब्राउन कलर का होता है। एग्जाम्पल हम देखेंगे पीपल, बनियान एंड कोकोनट। अगर हम इन्हें देखें तो सबका शेप और साइज अलग अलग होता है। प्लांट्स का दूसरा जो टाइप है वो है श्रब्स। वो स्मॉल प्लांट होते हैं विथ वुडी स्टेम। इनकी हाइट 1 से 3 मीटर इतनी होती है। एग्जाम्पल है यहाँ पे रोज एंड तुलसी। तीसरा जो टाइप है वो है हर्ब्स। ये स्मॉल प्लांट होते हैं, इनकी हाइट लेस देन 1 मीटर होती है, बट ये सॉफ्ट एंड ग्रीन कलर के होते हैं और ये कुछ ही महीनों तक जीवित रह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे ग्रास, मिंट एंड वीट। नेक्स्ट जो टाइप है वो है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर ये वीक स्टेम वाले पार्ट होते हैं, उनको दूसरे प्लांट का सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो खुद होके स्ट्रेट खड़े नहीं हो सकते। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे पी और मनी प्लांट। नेक्स्ट जो टाइप है वो है क्रीपर्स। क्रीपर ये वीक स्टेम वाले होते हैं, वो खुद होके खड़े नहीं रह सकते क्योंकि उनका जो फ्रूट होता है वो बहुत ही हैवी होता है, इसलिए उनको ऑन द ग्राउंड ही स्प्रेड होना पड़ता है। नेक्स्ट जो है वो है एक्वाटिक प्लांट्स। एक्वाटिक प्लांट्स जनरली मड में या फिर वाटर में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे वाटर लिली एंड लोटस। अब हम देखते हैं फूड आइटम्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स। प्लांट्स से हमें कौन कौन से फूड आइटम्स मिलते हैं। प्लांट्स से हमें सबसे पहले मिलता है सीरियल्स, जो हम गेहूं की रोटी खाते हैं या फिर राइस खाते हैं वो हमें प्लांट से मिलता है। नेक्स्ट जो है वो है पल्सेस। पल्सेस में ग्राम, ग्रीन ग्राम्स या फिर पीस। नेक्स्ट है ड्राई फ्रूट्स। हम बच्चों को ड्राई फ्रूट्स खिलाते हैं, कैश्यू नट है, ग्राउंड नट है, वॉलनट है, अलमंड है, ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं। नेक्स्ट जो है वो है ऑयल गिविंग प्लांट्स, जो कि प्लांट हमें ऑयल देते हैं। सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है। नेक्स्ट जो है वो स्पाइसेस, जो हम मसाले यूज़ करते हैं किचन में वो भी हमें प्लांट से मिलते हैं। कॉफ़ी, टी, शुगर जो हम डेली बेसिस पे पीते हैं वो भी हमें प्लांट से मिलता है। या फिर मेडिसिनल प्लांट, जब हम बीमार होते हैं तब हम नीम का पेड़ का पत्ता यूज़ करते हैं या फिर तुलसी का पत्ता यूज़ करते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स के बहुत सारे यूजेस हैं और प्लांट्स से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है और यहाँ पे उससे रिलेटेड भी कुछ वर्कशीट्स दी है। तो इस बुक में हर टॉपिक या सब टॉपिक के रिलेटेड बहुत सारी वर्कशीट्स दी है ताकि हम बच्चों की प्रैक्टिस अच्छे से करवा सकें। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।